नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा जिसका नाम है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, उसकी आंसर की लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें जियोग्राफी के प्रश्न क्या आए। दोस्तों, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो प्रश्न पूछा गया पृथ्वी के फेफड़े। दोस्तों, बार बार आपको क्लास में बताता हूँ कि दक्षिणी अमेरिका का, और इस दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन नदी, और इस अमेजन नदी का जो क्षेत्र है उसको मिलाकर के अमेजन बेसिन कहा जाता है, और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको अमेजन वन कहा जाता है। इन अमेजन वनों को ब्राजील में सेलवास कहा जा सकता है। दोस्तों, कई बार इस प्रश्न के ऑप्शन में आपको सेलवास मिलेगा तो टिक सेलवास करना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन था अमेजन वर्षावन, तो आपको उत्तर मिलेगा अमेजन वर्षावन। पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी की किडनी पूछा जाए तो नम भूमि, पृथ्वी के वाल्व पूछा जाए तो ज्वालामुखी, पृथ्वी का छाता पूछा जाए तो ओजोन परत। यह पृथ्वी का पोस्टमार्टम कर दिया जी अपन ने, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल इजी सा सवाल जिसके बारे में अपन स्थिति विस्तार में बात करते रहते हैं, वो है आप राजस्थान के बारे में जब स्थिति विस्तार पढ़ते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, इसी का पूछ लिया दोस्तों। इसमें दे दिया नीचे इधर जिले दे रखे हैं आपके, बांसवाड़ा और जैसलमेर और गंगानगर और धौलपुर। दोस्तों, इनको मिलान करना है कि बांसवाड़ा कितने पर, यहाँ पे, जैसलमेर यहाँ पे, गंगानगर यहाँ पे और धौलपुर यहाँ पे। उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया कि निम्न में से कौन सा असत्य है। तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में है, बिल्कुल गंगानगर जिले में प्रचलित है जी, क्योंकि गंगानगर के सूरतगढ़ में रूस के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, यांत्रिक कृषि फार्म, और गंगानगर का ही दूसरा स्थान है जेतसर। जेतसर यहाँ पर कनाडा के सहयोग से दूसरा सबसे बड़ा एशिया का, राइट बात। उसके बाद में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। दोस्तों, जब कृषि जलवायु खंडों की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आर्द्र दक्षिणी ये वाला पार्ट, और ये आर्द्र यानी कि जलवायु आर्द्र है, दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे दोस्तों सोयाबीन बोई जाती है, याद रखना खरीफ में, बार बार नोट करवाता हूँ आपको, इधर जब बाजरा बोया जाता है इधर सोयाबीन बोया जाता है। उसके बाद राइट बात है, दूसरा भी पहला भी, सूरतगढ़ कृषि फार्म मैंने बताई दिया रूस के सहयोग से, भी राइट है। चौथा इसमें गलत है, माही कंचन। दोस्तों, माही कंचन ये मक्का की है, ना कि चावल की। इसका उत्तर नंबर होगा
चार माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, ना मक्का की होगी, डी। उसके बाद अगला बहुत बढ़िया सवाल पूछा दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोर्ड पे भी पढ़ाया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी है, इस सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध, और उसके आगे नांगल बांध बना हुआ है, नांगल बांध। इससे दोस्तों दो नहर निकाली गई, एक दाई नहर दाई गई पंजाब में, उसका नाम है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। नांगल से एक नीचे निकल के आई जिसका नाम है भाखड़ा नहर। इस भाखड़ा नहर से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध मिलती है, और कितने हेक्टेयर पर, 2.3 लाख हेक्टेयर, 2.3 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है जी। बात करें किसकी, सहयोग है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और राजस्थान का हिस्सा है 15.22%। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, पहला सही है, पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना, राइट बात है, हनुमानगढ़ को लाभ मिलता है, राइट बात है, और 17.22 हिस्सा नहीं है, 15.22 है, सी बात गलत है, और डी सही है, 2.3 लाख हेक्टेयर। इसका उत्तर होगा सी, ए बी डी, ए बी डी। खनिज में दोस्तों बार बार आपको बताता हूं कि आपसे केवल सम्मिलित करवाएगा, केवल और केवल सम्मिलित करवाएगा, आपको खान और खनिज का नाम देगा और यही हुआ, ये आपके क्या हैं, खान हैं। इनके सामने इधर दे रखे टंगस्टन, फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट और जिप्सम। दोस्तों सारे के सारे बिल्कुल सुमेलित हैं, बिल्कुल सुमेलित है सीधा। नागौर जिले के डेगाना में टंगस्टन का उत्पादन, मांडू की पाल डूंगरपुर में फ्लोरस्पार या फ्लोराइड का उत्पादन, झामर कोटला उदयपुर में रॉक फास्फेट मिलता है, गोट मांगलोर नागौर में जिप्सम मिलता है। उसके बाद एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे भौतिक विभाग के साथ में मिलकर के बता देता हूँ और कई बार आपको पढ़ा दिया मैंने, दोस्तों जब आप कोपेन की बात करते हैं, सॉरी कोपेन नहीं, थानथवेट है, थानथवेट का आ गया, तो ये जो थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण में इसका नाम है CAW, हाड़ोती, हाड़ोती में किसको छोड़ दो, बूंदी छोड़, वागड़ और माउंट आबू, ये वाला पार्ट। उसके बाद इधर जैसलमेर, इधर पश्चिमी जोधपुर, जोधपुर और बाड़मेर, ये तीनों जिले का ये पार्ट हो गया EAD। दोस्तों बीकानेर संभाग हो गया DBW और ये मध्य राजस्थान हो गया DAW। सवाल आपका है DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, बिल्कुल राइट बात है उत्तरी राजस्थान, CAW दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, राइट बात है दोस्तों, EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान बिल्कुल गलत है, ये तो पश्चिमी राजस्थान है। इसका उत्तर होगा सी, और
यही प्रश्न आपकी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे ज्योग्राफी के, जिनका हल मैंने आपको बताया। धन्यवाद दोस्तों।